जैसा कि मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूँ, आप उस वीडियो को भी एक तरफ से पता चल जाएगा कि ये किसकी प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हम जो साइंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें ह्यूमैनिटीज और जो सोशल साइंस या लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीए इंग्लिश पंजाबी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री इलेक्टिव हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, बेस्ट कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। क्योंकि आपने एमए इकोनॉमिक्स कर ली है तो आपको आपके लिए दो आपकी सोशल साइंस भी बनती है, ये सोशल साइंस भी आपकी बन गई। आपको साइंस और आपको हिंदी लेना चाहिए नंबर वन पर। साइंस सॉरी साइंस कह दिया, सोशल साइंस एसएसटी, वेरी सॉरी, एसएसटी और हिंदी आपने ले लिया। एसएसटी के साथ आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए, है ना। हिंदी इलेक्टिव है, आप हिंदी के लिए पीजीटी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो गए। आप बाद में क्या कीजिए, एक एमए इकोनॉमिक्स है, बीएड खत्म हुई, आपकी बीएड का एंड हो गया यहां पर। बीएड के बाद आप बीएड का एडिशनल पेपर दो, है पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये दीजिए आप, वो इजीली हो जाता है, एक महीने की बात होती है। हाँ, होता कब है, छह महीने बाद, जहां वो हर यूनिवर्सिटी कब लेती है उसका अलग से वीडियो आ जाएगा। तो आप क्या हुआ कि जाते ही टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो गए, जाते ही बीएड करते ही हिंदी के लिए एलिजिबल हो गए, उसके एकदम बाद आप पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर दीजिए तो आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए फिर एलिजिबल हो जाओगे। दिस इज द फर्स्ट। इंग्लिश मत लीजिए, जनरल इसको मत कंसिडर कीजिए। आपके सभी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे उनकी वेटेज आपको, लाभ जो है इस तरह से आपको मिल जाएगा। सर आई वॉन्ट टू इंग्लिश एज मेजर सब्जेक्ट, कॉलेज सीट मैट्रिसेस च इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट दिता हुआ, बट मेजर चॉइस फिलिंग च इंग्लिश नहीं है। आपका क्वेश्चन आपसे पूछना पड़ेगा, क्या आप ऑनर इंग्लिश हैं? ऑनर इंग्लिश हैं तो आपको मेजर इंग्लिश मिलेगा। दूसरी बात आपको चाहिए था कि आप मुझे पांच के पांच ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताते तो मैंने आपको उत्तर देना था कि आप ये दो या ये एक से अपना ये वाला सब्जेक्ट ले लीजिए और ये आपकी इंग्लिश आपने माइनर ले ली तो उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पड़ेगा कि अगर आपने इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है, इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी हुई है तो उसके बाद बीएड करने के बाद आप बेशक माइनर इंग्लिश लिया था, आपने माइनर इंग्लिश लिया है, इलेक्टिव इंग्लिश ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई थी तो आप जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। किसके लिए? मास्टर कैडर के लिए, मास्टर कैडर के लिए एलिजिबल हो गए। इसको समझिए, आप ये मत समझिए कि यहां मैंने इंग्लिश को मेजर लूंगा तभी मैं जॉब के लिए एलिजिबल हूंगा, ऐसा नहीं है। बस आपने इलेक्टिव पढ़ी होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी इलेक्टिव चाहिए। दैट इज वाई दोबारा क्वेश्चन पूछिए और मुझे पांच के पांच उनके आगे ये बताइए ये इलेक्टिव है, ये कौन सा है सब्जेक्ट, तो फिर आपको बता दूंगा कि आप ये कर लीजिए। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में आपने बताया नहीं, टेंशन की जरूरत होगी ही नहीं। सर बीए विच मैथ इकोनॉमिक्स इलेक्टिव पंजाबी, देखिए इन्होंने सारे बताए हुए हैं तो मैं क्लियर जल्दी बता सकता हूं। मैथ हो गया, मैथ यहां, अच्छा मैथ पंजाबी में लिखा है, मैथ इकोनॉमिक्स इलेक्टिव पंजाबी। सर बेस्ट कॉम्बिनेशन दस दो, बेस्ट कॉम्बिनेशन डिपेंड, आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं की, मेरे ख्याल में नहीं की होगी, कौन सी करना चाहते हो, विच वांट तो वो आपको देना पड़ेगा जवाब। अगर तो आप मतलब मैथ्स की फील्ड में जाना चाहते हो, मेरे हिसाब से मैथ का स्कोप ज्यादा होता है आपको मैथ से क्योंकि आप टीजीटी के लिए जाते ही एलिजिबल होंगे, मैथ्स को चूज कीजिए। हाँ, साथ में आप इकोनॉमिक्स लेना है जहां पंजाबी लेना है, है ना। तो अगर आप टीजीटी के लिए जाना चाहते हो, दोनों ही मतलब अगर आप ये चाहते हो कि आप बीएड करने के बाद मैक्सिमम सब्जेक्ट दो के लिए एलिजिबल हो जाओ तो आपको मैथ्स और पंजाबी लेना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं एक के लिए एलिजिबल हो जाऊं लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इकोनॉमिक्स में है, है ना, तो आप मैथ इकोनॉमिक्स लीजिए, लेकिन इकोनॉमिक्स के दो साल आपको पीजी करने के बाद आप फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 10+1 2 के लिए एलिजिबल हो गए। मेरी तरफ से आपको सुजेशन है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स और पंजाबी लीजिए क्योंकि आपने इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है। दूसरा आपका कॉम्बिनेशन बेस्ट बनता है मैथ इकोनॉमिक्स।
मेरे हिसाब से मैथ पंजाबी इज योर बेस्ट। सर मैं ग्रेजुएशन बीए ऑनर स्कूल इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर किया आपने, ये हो गया ना, की है इंग्लिश फर्स्ट सेम में पढ़ी है, ठीक है जी, और मैथ्स थर्ड सेम तक की था, गुड, वेरी गुड, मतलब मुझे पता लग गया इसलिए गुड। सिर्फ पंजाबी ही 3 साल लगातार थी, अब बीएड में कौन सा कॉम्बिनेशन रखने अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना है, गुड। देखिए आप आपका जो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन रहा, मतलब एकदम एलिजिबल आप नहीं हो गए, ये मुझे नहीं आपने बताया कि ये जो 3 साल पंजाबी पढ़ी है ये इलेक्टिव पंजाबी है, अगर ये इलेक्टिव पंजाबी है मेरे ख्याल में ऑनर्स में दूसरी में इलेक्टिव पंजाबी नहीं गिनी जाएगी, तो आपका कॉम्बिनेशन ही एक बन रहा है, ये थर्ड सेम में आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, एक ये बन रहा है नंबर एक, दूसरा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स नंबर दो, तो आप तीसरा बन रहा है इकोनॉमिक्स एंड पंजाबी, आपके यही 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कौन से आपने इंटरेस्ट मैथ्स में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, पंजाबी में, किसमें ज्यादा, नहीं इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, इकोनॉमिक्स आपका डन है क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर हो आप, है ना, इसके लिए आप एलिजिबल हो, आप प्रोवाइडेड आपको पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन सॉरी करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स की, तो उसके बाद अगर आपका पंजाबी में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स के साथ पंजाबी लीजिए, अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश में लीजिए, अगर मैथ्स में है तो मैथ्स में लीजिए। बात याद रखनी है कि आप ये देखिए इन तीनों में से आपके 55% बनते हो तो अच्छी बात है, इससे नीचे की बात नहीं बनेगी 55%, ओके, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये आपको कम से कम इतने गेन करने चाहिए। अब आपकी ये प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक्स लेने के बाद आप ये मत समझिए कि इंग्लिश पढ़नी है आपने बीएड में, आपने मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ पंजाबी पढ़ने हैं, इसलिए इसको उस तरह से कंसीडर मत कीजिए। आप, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप अगर मैथ से डरते हो या पीछे हट रहे हो तो मैथ को चूज कर लो, हाँ मैथ जब पढ़ाना है तब पढ़ना पड़ेगा, ये बात नहीं है, तब पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप मेरे हिसाब से अगर आप मैथ्स के लिए जाना चाहते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा इसकी होती है तो आप इकोनॉमिक्स मैथ की तरफ जा सकते हो, अगर डिफिकल्ट लगता है तो इंग्लिश या पंजाबी में से एक चूज कर लीजिए, इकोनॉमिक्स का आपका रहेगा रहेगा और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो। सर इलेक्टिव इंग्लिश इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, इलेक्टिव इंग्लिश है गुड, इकोनॉमिक्स फिजिकल एजुकेशन आपका बन रहा है इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश आपका एक कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन 2 कॉम्बिनेशन, यही आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अभी ये देखना है आपने कि फिजिकल एजुकेशन भी टीजीटी के लिए जा रही है और आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो बन रहा है ये वाला पीजीटी के लिए है, ठीक है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी इसकी, ये भी टीजीटी के लिए बन रहा है, ठीक। अगर आप चाहते हो कि मैं टीजीटी पर ही रहना चाहता हूं तो फिर आप फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश ले लीजिए, जिसको मैं तीसरा दे रहा हूं आप उसको पहला कर सकते हो, ये रैंक नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप, अगर आप ये पूछ रहे हो सर जॉब बीएड के बाद इमीडिएट जॉब के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊं, तो आपके लिए फर्स्ट नंबर ये नहीं है, ये थर्ड नहीं है, ये फिर फर्स्ट हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो गए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स या इसमें है तो वो आप अकॉर्डिंग टू कर लीजिए, मैंने ये बता दिया टीजीटी टीजीटी और पीजीटी आपने किसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये वीक क्यों है, क्योंकि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल है ना लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। सर बीएड के साथ सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करना ठीक रहेगा, बीएड में नॉन अटेंडिंग एडमिशन लेकर, मैंने एक वीडियो में बताया है कि इस साल ये टर्म को थोड़ा भूल जाइए क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल दिया है, यूनिवर्सिटी ने भी डाला है, एनसीटी ने भी डाला है, तो मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा कि आप फंसोगे नहीं, प्रोबेबिलिटी है। अभी तक नॉन अटेंडिंग की चोरी चोरी कोई करते हैं, कॉलेज कर रहे हैं चोरी चोरी कर रहे हैं, लेकिन शरेआम जैसे पिछले सालों 10 सालों में हुआ है वैसे नहीं हो रही। हाँ आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलर थोड़ा जाना पड़ता है, थोड़ा भी जाना पड़ता है, तो बीएड
टाइम और एनर्जी डिमांड करती है, क्योंकि डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, ऑडियो विजुअल एड है, लेसन प्लानिंग है, टीचिंग प्रैक्टिस है ना, तो सब्जेक्ट भी आपसे, अगर एजुकेशन आपने सिविल सर्विस लिया है फिर तो कोई बात नहीं, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी आपको। तो मेरे हिसाब से आपका, आप अपने आप को सेल्फ असेस कीजिए, सेल्फ असेस, ठीक है, कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। अगर बहुत नजदीक है मतलब तो नेचुरली है कि बीएड आपकी इस परफॉर्मेंस को थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगी, ये बात बताना चाहता। सर बीए में मेरे पास जनरल इंग्लिश, जनरल पंजाबी, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस एंड फैशन डिजाइनिंग था। फैशन डिजाइनिंग स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, है ना। यहाँ पर शायद फैशन डिजाइनिंग को मैं पता कर लूंगा कि आप दे रहे हैं ये कि नहीं। आपका कंप्यूटर और पॉलिटिकल साइंस अगर मिलती है, पॉलिटिकल साइंस, अदरवाइज कंप्यूटर और पंजाबी, कंप्यूटर ऑफ इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल पंजाबी, सारे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। आपका स्कूल सब्जेक्ट आप किसी के लिए, सिर्फ एक के लिए एलिजिबल हो, ये मतलब पीजीटी के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पीजीटी है आप बनोगे, इट मीन्स आपको एमए पॉल साइंस करनी पड़ेगी, एमए पॉल साइंस करने के बाद होगी। आप फैशन डिजाइनिंग में आप नहीं जा सकते, स्कूल में फैशन डिजाइनिंग नहीं पढ़ाई जाती। तो जनरल पंजाबी आपको एडिशनल देना पड़ेगा बीएड के बाद, ग्रेजुएशन का 3 साल के 2 पेपर होते हैं, 1 महीने में हो जाते हैं। ऐसे ही अगर इंग्लिश रखते हो ये भी देना पड़ेगा। दैट इज वाई मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ आप कंप्यूटर के को मत छोड़िए, कंप्यूटर के साथ कुछ इधर से ले लीजिए। हाँ अगर इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा है ना, तो फिर मेजर सब्जेक्ट आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। वो पीजीटी अपने माइंड में रखिए कि 2 साल एमए बाद में लगाने पड़ेंगे। सर कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी लिटरेचर एंड होम साइंस। देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी लिटरेचर इलेक्टिव हो गई है ना, होम साइंस एंड एमए पॉलिटिकल साइंस है, आपने एमए की हुई है अभी, शुक्र है मैंने पढ़ लिया। तो आप पॉलिटिकल साइंस और इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप यही लीजिए, क्योंकि एमए पॉलिटिकल का आपको डायरेक्ट फायदा है। आप बीएड करने के बाद पीजीटी के लिए एकदम एलिजिबल हो गए ना, इसके लिए इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है, पीजीटी के लिए एकदम एलिजिबल हो गए, आपके लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बात ये भी है कि ये सभी कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में अवेलेबल है। सर मेरे को सब्जेक्ट पॉल, पब्लिक एंड पंजाबी, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? आपका एसएसटी सीधा ही बन गया है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पॉल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना पीपीसी मेरे ख्याल में, हाँ, तो इसके बेस पर एसएसटी बन गया आपका, और हिस्ट्री भी है आपकी, बस आपका ठीक है। और आपने ये नहीं पता मुझे कि ये इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है, अगर इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है तो आप एसएसटी एंड पंजाबी आप ले लीजिए, अगर इलेक्टिव इंग्लिश पढ़ी है तो एसएसटी इंग्लिश ले लीजिए, यही आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सर मेरा ग्रेजुएशन है इंग्लिश कंपलसरी, पंजाबी कंपलसरी, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरा एमए हिंदी है। नेचुरली आप एमए हिंदी को नहीं छोड़ोगे, बहुत अच्छा आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, एसएसटी एंड हिंदी। कॉलेज बदल लीजिए लेकिन ये कॉम्बिनेशन को मत छोड़िए, डोंट गो फॉर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री के साथ हिंदी में बच जाइए। एसएससी सभी कॉलेज में मिल जाएगी, हिंदी शायद किसी में मिस हो सकती है, अदरवाइज हिंदी भी मोस्टली अवेलेबल है, तो आप ये अपना कॉम्बिनेशन रखिए, बेस्ट है आपके। सर मैंने बीएड आर्ट और क्राफ्ट से करनी है, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बट मेरे पास आर्ट या क्राफ्ट नहीं थी, मुझे एडिशनल का एग्जाम देना होगा, अगर देना होगा तो क्या प्रोसीजर होगा? ये देखिए आपको फाइन आर्ट्स करनी है, मेरे ख्याल में आप यो वर्ड यूज करना चाहते हैं, फाइन आर्ट, तो पेडागोजी और फाइन आर्ट्स होगी आपकी बीएड में। आप ग्रेजुएशन में क्या पढ़ोगे? 3 साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल फाइन आर्ट, इसके आपने एडिशनल देने हैं। आपके की यूनिवर्सिटी कौन सी है मुझे नहीं पता, आप कई यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, सॉरी
कई यूनिवर्सिटी अलाउ करती हैं कि आप साथ साथ में अगर सेम यूनिवर्सिटी में हो तो आप एडिशनल एग्जाम दे सकते हो। तो इंक्वायरी से आप पूछ लीजिए, अलग वीडियो बना दूंगा इस पर कि कौन सी यूनिवर्सिटी एडिशनल कैसे करवाती है, डेट कब आती है, वो एक्स्ट्रा जानकारी दे दूंगा। तो आपको ये एडिशनल देने होंगे, उसके बाद आप बीएड फाइन आर्ट्स से कर सकती हैं।